हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसमें एक 15 साल की मासूम लड़की के ऊपर ये कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें उसका नाम मिलिसा होता है और इसकी भोलेपन की वजह से सारे लोग इसके मजे उठाते हैं और इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान होने से मिलिसा सारे लोगों के साथ टपाटप करती है। आगे मिलिसा के साथ क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है मिलिसा पी, जिसे साल 2005 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक 15 साल की लड़की को। वो घर पर अपने मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर नशेड़ियों में से एक है, जिसकी वजह से उसकी ज्यादातर तबीयत खराब ही रहती है। लेकिन मेलिसा अपने मॉम से ज्यादा अपने ग्रैंड मदर के साथ काफी क्लोज थी और एक दिन मेलिसा अपने आप को खुद ही छूने लगती है, परंतु तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और फिर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ डेनियल नाम के एक व्यक्ति की पार्टी पर जाती है, जो कि मेलिसा का क्लासमेट था। और पार्टी के दिन मेलिसा काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है, क्योंकि वो काफी दिनों से डैनियल को लाइक करती थी, लेकिन डैनियल कभी भी मेलिसा पर उतना खासा ध्यान नहीं देता था। उसके बाद मेलिसा पानी के पास जाती है और वहाँ पर उसे कोई धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। उसके बाद डैनियल पानी में जाकर उसे बचाता है और फिर डैनियल मेलिसा को अपने पीछे वाले गार्डन पर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। पर यहाँ पर डैनियल मेलिसा से एक शर्त रखता है कि वो हर रोज यहाँ पर अकेले ही आएगी। उसके बाद वो मेलिसा से काफी करीब आने लगता है और मेलिसा भी इस बात के लिए उसे मना नहीं करती और डैनियल उसके साथ टपाटप करके बिना बोले वहाँ से चला जाता है, जिससे मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। और कुछ ही दिनों के बाद उनके स्कूल खुल जाते हैं और मेलिसा डैनियल के आने का इंतजार करती है, लेकिन डैनियल कई महीनों से मेलिसा से नहीं मिला था और न ही उसने कोई कॉल की। लेकिन इसके बावजूद भी मेलिसा के दिमाग से डैनियल का नशा नहीं उतर रहा था और वो हर समय डैनियल के बारे में ही सोचते रहती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब पार्टी में गया है और उसके बाद वो दोनों भी उस क्लब पार्टी में जाते हैं, जहाँ मेलिसा डैनियल को देखने लगती है। तभी डैनियल भी उसे दिखता है और उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल का एक फ्रेंड आता है और मेलिसा की खूबसूरती पर काफी तारीफ करने लगता है। और ये बातों को सुनकर के डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, लेकिन अकेले में, जिसे सुनकर मेलिसा मन ही मन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद डैनियल मेलिसा को अपने घर पर लेके जाता है और खूब टपाटप के कार्यक्रम को अंजाम देता है, जहाँ मेलिसा उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डैनियल उसके बातों का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसके साथ टपाटप करने के लिए आया था। उसके बाद मेलिसा अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी डैनियल के जैसा ही लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की काफी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। पर मेलिसा को ये बात काफी निराश करता है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर से दूर होना नहीं चाहती थी और इसलिए मेलिसा अपने माँ से लड़ाइयाँ करने लगती है। और उसके अगले दिन स्कूल की क्लास में मेलिसा काफी उदास दिखाई देती है, इसलिए सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर इसी के बीच वहाँ पर बैठा मार्को नाम का एक व्यक्ति मेलिसा की फीलिंग को समझ पा रहा था। उसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप पर जाती है और वहाँ पर सामने बैठे एक आदमी को देखती है, जिसे देखकर उसे डैनियल की हरकतों की याद आने लगती है, जिसके बाद मेलिसा उसे हिंट देती है। पर जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास में आकर बैठने लगता है, तभी मेलिसा वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब मेलिसा का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो बस सामने वाले किसी भी व्यक्ति को हर्ट करे। और घर जाने के बाद मेलिसा देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पर आई है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि शायद अब मेलिसा काफी ज्यादा बदलने लगी है और ये सारी बातों को वो उसकी माँ को बताती है, पर उसकी माँ इन सारी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातें एक डायरी पर लिखा करती थी। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर उसे बैठा कर समझाती है कि जब मैं पहले के समय में जवान थी, तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैं अपने आप को किसी तरह से संभाल ली। दरअसल उसकी ग्रैंड मदर उसे इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें इन सारी चीजों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद मेलिसा के पास डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। पहली बार तो मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो उसके पास चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद डैनियल और उसके दोस्तों के साथ मेलिसा खूब घपाघप करती है। और अगले दिन मेलिसा ये सारी बातों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है, अरे पगली, तूने ये क्या किया, आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना। पर मेलिसा
मेलिसा को इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा था और वो ऑनलाइन डेटिंग साइट पर भी मेलिसा अपना अकाउंट बनाने लगी थी और अपनी मन की सारी बातें उनके साथ शेयर करने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लोजली नहीं था जो वो अपनी मन की सारी बातों को बता सके। उसके बाद एक दिन सारे बच्चों को स्कूल की तरफ से एक साइंस म्यूजियम में लेके जाया जाता है। वहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो म्यूजियम में काम करने वाला वर्कर था, पर मेलिसा उसके साथ भी टपा टप करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातों को, यहाँ तक कि घपा घप वाली बातों को भी अपने डायरी में लिखा करती थी। अगले दिन मेलिसा जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि स्कूल के सारे बच्चे उसके पर्सनल डायरी को पढ़ रहे हैं, जिसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ऐसा सिर्फ उसका फ्रेंड ही कर सकता है। और मेलिसा नाराज होकर अपने घर जाते समय अपने ग्रैंड मदर को देखती है जो किसी और आदमी के साथ लगी पड़ी थी, और ये नज़ारों को देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है और अंदर ही ये फील करती है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार करता। और अगले दिन मेलिसा के फ्रेंड उससे माफी मांगती है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक व्यक्ति उसके पास बात करने के लिए आता है। दरअसल दोस्तों, मार्को मेलिसा को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं बनी कि वो अपनी सारी बातों को बता सके। तभी मेलिसा के पास डैनियल की एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा मिलने के लिए उसके पास जाती है तो वो मेलिसा के आंखों पर पट्टी बांध करके उसे बेसमेंट पर ले जाता है और मेलिसा वहाँ पर उसके सारे दोस्तों के साथ टपा टप करती है। और दूसरी ओर मेलिसा की माँ मेलिसा के कमरे में जाती है जहाँ मेलिसा मौजूद नहीं थी, और वहाँ पर उसकी मॉम को मेलिसा की डायरी मिलती है और पूरे डायरी को पढ़ने के बाद मेलिसा की माँ को सारा कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो मेलिसा को कॉल लगाती है। पर मेलिसा कॉल को रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो घपा घप के कार्यक्रम को अंजाम दे रही थी। और मेलिसा की माँ ये सारी बातों को बताने के लिए ग्रैंड मदर के पास पहुँचती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, जिसे जानने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर जब मेलिसा की माँ घर वापस जाती है तो उसकी माँ उसके डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिसा बताती है कि हाँ, वो सारी बातें सच है। और उसके बाद मेलिसा की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है और मेलिसा से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा और भी अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा को अपनी माँ के इस हालत को देखकर उसे काफी गिल्टी फील होने लगता है और वो अपने आप को बदलने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से सारी बातों को शेयर करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा पहले के जैसा नॉर्मल हो जाती है और स्कूल जाने से पहले वो अपने दोस्त मानू के घर जाती है और उससे माफी मांगती है और पहले के जैसा ही साथ में स्कूल जाने लगती है। और स्कूल जाने के बाद वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि डैनियल के दोस्त ने बिना उसे बताए अपने दोस्तों के साथ उसके साथ पूरी रात टपा टप करी थी। तभी डैनियल स्कूल में मेलिसा को देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार मेलिसा को घंटा भी जरा सा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को चेक करने पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्को नाम का एक लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को भी उसके पीछे पीछे आता है और तभी मेलिसा से अपने दिल की सारी बातों को शेयर कर देता है और कहता है कि अब मैं आर्ट क्लास को ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद वो अपनी ड्राइंग को मेलिसा को दिखाता है, जिसे देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है। और जाने से पहले मार्को मेलिसा की स्केच बनाता है, परंतु उसी दौरान डैनियल वहाँ पर दोबारा आता है और वो मेलिसा को अपने घर की एक छोटी सी पार्टी पर इनवाइट करता है। पहली बार तो मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो पार्टी में आने के लिए राजी हो जाती है। और पार्टी में पहुँचने के बाद मेलिसा कुछ देर के बाद पानी में कूद जाती है, लेकिन सारे लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा नहीं मानती और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मूवी में मेलिसा सिर्फ तैरती हुई दिखाई देती है और फिर डायरेक्टली सीन स्विच होता है और सीधे हम देखते हैं मेलिसा को उसके माँ के पास, और वो अपनी माँ के साथ काफी घुल मिल के रहने लगी थी। दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और हाथों में फूल लिए हुए ग्रैंड मदर के कब्र पर चढ़ाते हैं। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जरूर से कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे।